guys, what's up? I hope that you guys are doing good. And I hope that you guys are staying home, okay? हमारे लिए घर पे बैठना बहुत जरूरी है, सिर्फ हमारे अच्छे के लिए नहीं, सबके अच्छे के लिए, पूरे देश के अच्छे के लिए. अगर हम कुछ कर सकते हैं इस वक्त, वो है घर पे बैठने का काम. तो आई थिंक बैठ ही सकते हैं. और जहां तक मुझे पता है, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हमेशा कंप्लेन करते होंगे, यार क्या करे, पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, सैटरडे संडे भी, सैटरडे सिर्फ संडेज मिलता है आराम करने के लिए, उसमें तो कहाँ कुछ होता है. अब आपका हर दिन संडे है, तो आप उस समय का एकदम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए आई हैव 5 things फॉर यू. जब आप घर पे बैठे बैठे बोर हो सकते हैं, तो ये 5 चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है. नंबर 1 इज कंज्यूमिंग अमेजिंग कॉन्टेंट. अभी मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं होगा, प्राइम का अकाउंट नहीं होगा, हॉटस्टार का अकाउंट नहीं होगा. इन सबका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, बिकॉज आप सब कॉलेज में हैं, शेयरिंग से है तो ठीक है, बट इतना ज्यादा पॉकेट मनी स्पेंड करने की जरूरत इस सब में नहीं है, यू नो. सो यूट्यूब पे भी काफी अच्छी अच्छी सीरीज है जो फ्री में अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं. मेरी ऐसी 5 सीरीज है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है. आई थिंक आप लोगों ने देखी ही होगी, ऐसा कोई है नहीं जिसने ये सब सीरीज नहीं देखी. अगर फिर भी कोई रह गया है जिसने नहीं देखी, तो देख लेना, ठीक है. नंबर 1 इज कोटा फैक्ट्री. बाय एनी चांस अगर आप इस दुनिया में हैं और आपने कोटा फैक्ट्री नहीं देखी है, तो आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू वॉच इट. विल फॉल इन लव विद जीतू. ओ माय गॉड, मैंने कोटा फैक्ट्री देखने के बाद में इतना स्टॉक किया है ना, उन्हें इतना स्टॉक किया है ना, मत पूछो. यू विल फॉल इन लव विद जीतू, बिलीव मी. And it is a beautiful series, and everyone is waiting for the Kota Factory season 2. Comment down below and let me know अगर आप भी Kota Factory season 2 के लिए wait कर रहे हैं, because मैं तो अभी, मतलब मेरा तो ऐसा हो गया कि यार कब आएगा यार season 2, कब आएगा, ऐसा हो गया मेरा तो. Series number 2 you can watch is Permanent Roommates. Again it is one of my favorite series, especially मैं को कॉमेडी कंटेंट बहुत पसंद है, मैं इसलिए कॉमेडी सीरीज भी रेफर करने वाली हूँ. परमानेंट रूममेट्स इज रियली लाइट कॉमेडी, इट्स अ रोम कॉम एक्चुअली. एंड वो सीरीज देखने के बाद मैं आपसे एक ही चीज बोला कि वो है मिक्की भैया के जैसे. ओ माय गॉड, यू विल फॉल इन लव विद मिक्की भैया. सो प्लीज वॉच परमानेंट रूममेट्स. थर्ड इज अगेन माय फेवरेट, ह्यूमरसली योर्स. ओ माय गॉड, विपुल गोयल इज अमेजिंग. आई लव विपुल गोयल. सबसे पहली बात तो वो मारवाड़ी, तो पता नहीं अलग ही कनेक्शन बनता है, बट नहीं सीरियसली, ह्यूमरसली योर्स इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट. आई थिंक उसमें एक लाइफ बताई गई है स्टैंड अप कॉमेडियन की, कि उसको आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, वो वॉच इट योरसेल्फ. नंबर 4 इज चीज केक. अगर आप ऐसे हैं जिन्हें डॉग्स नहीं पसंद, तो आई थिंक यू विल स्टार्ट लविंग डॉग्स अगर आप चीज केक देखोगे तो. ओ माय गॉड, लास्ट एपिसोड में मैं इतना रोई हूं ना, यू हैव टू वॉच इट. ये 3 कोटा फैक्ट्री, परमानेंट रूममेट्स एंड ह्यूमरसली योर्स तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, चीज केक आपको MX प्लेयर पे मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रिपलिंग. लिसन, आपके पास अगर कजिन्स हैं, तो ट्रिपलिंग देखने के बाद आप अपने सारे कजिन्स को फोन करके कहेंगे कि हेलो रोड ट्रिप पे कब चल रहे हैं हम, मैंने ये किया है ट्रिपलिंग देखने के बाद. मुझे सीजन 1 बहुत अच्छा लगा, सीजन 2 मुझे कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, बट सीजन 1 वाज फैंटास्टिक, यू कैन वॉच. नंबर 2 इज लर्न एंड ब्रश योर स्किल्स. हम पूरे दिन घर पे बैठे बैठे ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. लर्न न्यू थिंग्स, कुछ भी हो सकता है यार वो. आप किसी भी, याद करो पिछले टाइम आप जब भी कुछ नया सीखना चाहते थे, आपने हमेशा रीजन दिया था कि यार टाइम नहीं मिलता है जॉब के कारण, यार क्लासेस होती है, कॉलेज होती है, टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे करें. तो अभी आपके पास में टाइम ही टाइम है, तो प्लीज़ नई चीज़ें सीखिए. और कहाँ आपको जाना भी नहीं है सीखने के लिए यार, आई थिंक जस्ट यूट्यूब पे आप सर्च कर लो कुछ भी, जैसे कि सिंगिंग फॉर बिगनर्स एंड या फिर ड्राइंग फॉर बिगनर्स, पेंटिंग फॉर बिगनर्स, डांसिंग फॉर बिगनर्स, आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा. सो प्लीज़ लर्न न्यू थिंग्स, उपयोग करिए अपने टाइम का. थर्ड इज वन ऑफ माई फेवरेट. तो जब मैं मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तब मैं ये चीज़ करती हूँ, इज मेकिंग कार्ड्स. सो आई एम रियली फाउंड ऑफ मेकिंग पॉपअप कार्ड्स. मैं बर्थडे कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स जैसे गुड बाय कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स बना बना के लोगों को देती हूँ. मेरे पास तो है नहीं, मेरे को तो किसी ने दिया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती आपको. प्लीज मुझे भी कोई दे दो यार. मेरे बर्थडे में किसी ने कार्ड नहीं बनाया, मैंने सबके बर्थडे में कार्ड बनाए. बट नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू कैन मेक कार्ड्स फॉर पीपल.
देखिए किस किस का बर्थडे आ रहा है उनको फोन फोन लगाइए, पता कीजिए, अपने दोस्तों को फोन तो कीजिए यार, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों को फोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, अपने स्कूल फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को, और उनके लिए कार्ड्स बनाइए। अभी मेरे पास एक भी कार्ड नहीं है, डेमो के लिए बना, आपको दिखा दी, मैं सारे दे दिए लोगों को। फोर्थ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज रीड बुक्स और लिसन टू पॉडकास्ट। अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं जिसे किताबें पढ़ना नहीं पसंद, कोर्स की किताबें जैसे पढ़ी नहीं जा रही, वो बाकी किताबें क्या पढ़ेगा तो वो पॉडकास्ट सुन सकता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनती हूँ एंड करंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद रणवीर शो एंड इंटरव्यूज पॉडकास्ट। मतलब मेरा कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है पॉडकास्ट इंटरव्यू का, तो वो आप कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये सब पॉडकास्ट सुन रही थी, ये आपको जियो सावन और गाना ऐप पे मिल जाएगा इजीली, तो वहाँ जाके सुन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स। यार जब भी मैं ये बोलती हूँ ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। सच में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रही है। हमें लिटरली टाइम निकाल के उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम आप में से काफ़ी सारे जने होंगे जो ऑफिस निकल जाते होंगे, कॉलेज निकल जाते होंगे, पूरा पूरा दिन सुबह की चाय या शाम की चाय आप लोग हार्डली अपने पेरेंट्स के साथ में पीते होंगे, बट लिटरली यू नो इट इज़ रियली फन टू हैव टी एंड यू नो गॉसिप करो यार, अपनी मम्मी के साथ में बैठ के गॉसिप करो, अपनी डैडी के साथ में बैठ के गॉसिप करो। हाँ आई मीन मैं और मेरी मम्मी बैठे बैठे हम यही करते हैं, हम पूरे दिन यही करते हैं। इनफैक्ट बड़ा मज़ा आता है। नहीं नहीं हम और भी काम करते हैं, अभी झाड़ू पोछा भी हम ही कर रहे हैं। बट नहीं यार, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे याद है अभी रिसेंटली हम चारों ने साथ में बैठ के ये हॉटस्टार प्रीमियर की सीरीज देखी, स्पेशल OPS, और मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर आपको देखना तो देख लेना, बहुत अच्छी। आठ घंटा लगातार बैठ के हमने वो सीरीज कंप्लीट करी है और कोई भी नहीं उठाया। आठ घंटे तक बैठे थे टीवी के सामने चिपक के एकदम। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार, ये तो हम इतने टाइम बाद हमने कुछ ऐसे साथ में कुछ एक्टिविटी करी है, यू नो। वरना सब अपने अपने काम से जाते हैं, लेट आते हैं, यू नो। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक आफ्टर देम। यही है पांच चीज़ें जो आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सो प्लीज इन्हें कीजिए और सेफ रहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथ धोते रहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त इटली में जो हो रहा है वो इस वक्त अगर आप इटली और चाइना की न्यूज़ देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हम बस ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं क्योंकि अभी तक क्योर आया ही नहीं है, इसलिए हम सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्लीज़ घर पे रहिए, हाथ जोड़ के विनंती है आपसे, प्लीज़ घर पे रहिए, खुश रहिए। टाइम ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसका उपयोग कीजिए। एंड या दैट्स इट, दिस इज मी चांदनी साइनिंग ऑफ। होप यू गाइस डूइंग गुड एंड लव यू ऑल। बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।